हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 31 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 31 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 31 मई की क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। 31 मई 1878 को अमेरिकी कांग्रेस ने डॉलर के सर्कुलेशन को घटाया था। 1921 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया था। 1999 में आज के दिन कृष्ण प्रसाद भट्टराई द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई। 2001 में आज के दिन पूर्व सोवियत देशों का राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन मिस्क बेलारूस में संपन्न हुआ। 2007 में आज के दिन सेप ब्लैटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने थे। और अब आज का करंट अफेयर, हमारा पहला टॉपिक है 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? उत्तर है सिंगापुर। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान सिंगापुर 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके बाद मॉरिशस और नीदरलैंड का स्थान था। आंकड़ों में यह भी पता चला कि 2019-20 में भारत में FDI 13% बढ़ाकर यह रिकॉर्ड उच्च स्तर पर 49.97 बिलियन डॉलर हो गया है। अधिकतम विदेशी प्रवाह सेवा देश 7.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर में था, जिसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में था। टॉपिक नंबर 2, S&P ग्लोबल रेटिंग्स में वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया गया है? तो उत्तर है भारत। कटौती COVID-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की GDP वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। टॉपिक नंबर 3, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री। 28 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक ने वर्तमान घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति, वित्तीय कमजोरियों के मुद्दे, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की तरलता और गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों नियामक प्रतिक्रियाओं आदि की समीक्षा की गई है। परिषद ने कहा कि COVID-19 ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न किया है और इससे उभरने का समय अनिश्चित है। टॉपिक नंबर 4, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो उत्तर है कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियां होंगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबलापुर जिले में लागू किया जाएगा। टॉपिक नंबर 5, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधार नंबर आधारित EKYC का उपयोग करते हुए कौन सी रियल टाइम सुविधा शुरू की है? तो उत्तर है इंस्टेंट स्थायी खाता संख्या। 27 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंस्टेंट आधार बेस्ड EKYC लॉन्च की है। यह सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार संख्या है। उनके पास आधार के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। पैन आवंटित करने की प्रक्रिया कागज रहित है और मुफ्त भी है। टॉपिक नंबर 6, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? तो उत्तर है 120 दिन। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इसमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। टॉपिक नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स का आयोजन किया है? तो उत्तर है CII। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII का आयोजन डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जून के महीने में निर्यात में गिरावट 8 से 10% तक सीमित रहेगी। अप्रैल के महीने में 30 प्रमुख उत्पाद समूहों में से 28 में ने निर्यात में 99% तक की भारी गिरावट देखी है। टॉपिक नंबर 8, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर
लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है तो उत्तर है रूस। रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी ही एक उन्नति है। यह है बम वर्षक विमान सुखोई SU-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण पकड़ा कार्यक्रम के तहत किया गया है। पकड़ा कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। टॉपिक नंबर 2, प्रतिवर्ष 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या है? उत्तर है पीरियड्स इन पेंडेमिक। प्रतिवर्ष 28 मई को दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक वैश्विक मंच है जो जर्मन गैर लाभकारी संगठन वोस यूनाइटेड द्वारा शुरू किया गया है। इस वर्ष मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का विषय है पीरियड्स इन पेंडेमिक है। कई सरकारी एजेंसियों, व्यक्ति, गैर लाभकारी और मीडिया सुरक्षित मासिक धर्म प्रथाओं और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। टॉपिक नंबर 10, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? उत्तर है 7 लाख रुपए। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 में वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मापदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत छमाही के अंत में 45 दिनों के अंदर छमाही के वित्तीय परिणामों को सेबी में दाखिल करना होता है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि NHAI ने वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान 7 बार ऐसा किया है। इन्हीं उल्लंघनों के मद्देनजर नियामक ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और अब आज की करंट अफेयर क्वीज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया है? तो उत्तर है 10वां। क्वेश्चन नंबर 2, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? तो उत्तर है भारत। क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीज जोगी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ के। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने एक परियोजना शुरू करेगी? तो उत्तर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वह थे? उत्तर है ज्योतिषी। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दी है? तो उत्तर है 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? उत्तर है नरेंद्र बत्रा। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने हाल ही में अपने प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो उत्तर है रूस। क्वेश्चन नंबर 9, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? तो उत्तर है ईरान। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उत्तर है 7 लाख रुपए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या इस हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल ID पर मेल भी कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में आप जाकर हमारा द गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए मेल ID पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।